सो है गाइस, ये हमारा ट्रैवल ब्लॉग है मुंबई टू दिल्ली, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कपल के लिए प्राइवेट रूम ट्रेन में कैसा होता है, जिसे कूप बोलते हैं। अगर आप न्यूली कपल हैं और लंबा सफर करते हैं ट्रेन से करने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो में जानेंगे ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में प्राइवेट रूम कैसे बुक करें कपल के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं बांद्रा टर्मिनल्स एयरपोर्ट, सॉरी रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट माइंड में आ रहा है मेरे। हाँ, और वैसे प्लानिंग हमारी वही थी फ्लाइट की यहाँ से मुंबई टू दिल्ली, बट मेरे माइंड में ना एक आइडिया आया था जो मैंने बताया, कूप के ही चक्कर में मैंने एसी में आई मीन ट्रेन में बुक किया था कि देखते हैं भाई कूप का क्या एक्सपीरियंस रहता है। आपको भी दिखाता हूँ कैसा कूप होता है। कूप 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 CoUPE। और अभी ट्रेन है 12:05 पर, और टाइम अभी कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 9:45 हो रहा है, अभी बहुत टाइम है यार। बांद्रा टर्मिनस काफ़ी सुनसान लगता है यार, हमारे दिल्ली में जितने भी रेलवे स्टेशन है काफ़ी पावरफुल है, मतलब भीड़ बहुत रहती है, ये सुनसान है। इधर एक ट्रेन खड़ी हुई है, पता नहीं कौन सी है। तो भैया ट्रेन आ गई हमारी इतनी जल्दी, अभी ठीक से 10 नहीं बजे हमारा आगे होगा ना कुछ H1। तो चलो अब अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर क्या है कैसा है। फर्स्ट क्लास एसी कोच, ये है कुछ गेट इस तरह से। ओके वाह, तो ये आप देखेंगे मेरा वाला है, ये डी को डी। हर कैबिन में ABCDE इस तरह से, तो ये मेरा है जो कि बंद है, इसको इस तरह से खोलेंगे, यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं, डन। और ये देखेंगे यहाँ पर सिर्फ दो ही हैं बस, ये देखो एक और दो, इधर कुछ नहीं है, डस्टबिन रखा हुआ, मिरर है, सॉकेट है, यहाँ पर दो दिए गए हैं, लाइट्स के बटन हैं, बेल दिया इमरजेंसी और जो भी स्विच वगैरह हैं। इसके अलावा इधर जो अनाउंसमेंट होता है उसका वॉल्यूम है, डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बैग को रखता हूँ मारा नहीं, ये आप इसको खड़ा कर सकते हैं ऐसे, तो आराम से यहाँ पर बैठ के सुकून से बातें कर सकते हो, आराम से बैठ सकते हो यहाँ पर सुकून से। और अगर आपको सोना है तो सिंपली इसको पकड़ के यहाँ से लिटा देंगे। और ये बहुत चौड़ी है यार, इतनी चौड़ी है कि आप इजीली इस पर दो लोग लेट जाएंगे, दो लोग आराम से लेट जाएंगे, इतनी चौड़ी ऊपर की है। तो ये फ़ायदा होता है, ये एक प्राइवेट कैबिन है, अगर आप कपल्स हैं, आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम फर्स्ट क्लास एसी में तो जा रहे हैं लेकिन वहाँ पर चार लोग होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि बाकी लोग ना हो, आपका प्राइवेट कैबिन हो, तो ये चीज़ बेस्ट है। पूरा सेपरेट है जो सिर्फ आप लोगों के लिए ही रहेगा, आप यहाँ से कर्टन लगा सकते हैं, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं, यहाँ से इसको खोलेंगे यहाँ से और ये लॉक नहीं खुलेगा बाहर से, आप अनलॉक करेंगे तभी ये खुलेगा। और देखो दूसरी चीज़ ये, जब आप फर्स्ट क्लास एसी में कर रहे हो, कैबिन लिख कर आता है अगर ऑनलाइन कर रहे हो कैबिन, अभी एक और आए पैसेंजर तो उन्होंने कैबिन समझकर बुक किया, उनको लगा कि 2 सीट होंगी उसमें, जैसे ये इसको बोलते हैं कूप, कैबिन में 4 सीट होती है। अब इसमें होता क्या है, H1 में फर्स्ट क्लास एसी में अल्टरनेटिव्स होती है कैबिन, जैसे कि पहला कैबिन होगा अगर 4 सीट का तो उसके बाद जो आएगा वो होगा कूप, और 4 सीटर वाले को कैबिन बोलते हैं, दोनों का सेम प्राइस है। लेकिन ये हम बुक कैसे करते हैं ये मैं बाद में आपको प्रोसेस बताऊंगा, अभी आपको दिखाता हूं कि देखो अगर आप नॉर्मली फर्स्ट क्लास का ऐसी बुक कर दो ना ऑफलाइन भी, तो आपको इनमें से मिल सकता है, जैसे कि इसमें 4 है ना, इसमें से मिल जाएगा। ऑनलाइन कर रहे हो आप खुद और कैबिन आपने सेलेक्ट किया है तो फिर आपको ये मिलेगा, और अगर कूप भी क्या है और वो आपको नहीं मिला, रिजेक्ट हो जाता है, तो भी आपको ये मिलेगा। और ये पूरे कोच में सेम है, देखो ऐसा सेम लगेगा ना, लेकिन जब आप ये खोलोगे ना तो आप देखोगे इसमें 4 सीटर है ना, पहला कैबिन, दूसरा कैबिन आप देखेंगे ना ये कूप है, 2 सीटर है। इसके बाद आप देखेंगे F आ गया, इसमें अंकल जी बैठे हुए हैं, इसमें देखो 4 है ना। इसके बाद देखेंगे E है,
कोप है सिर्फ दो लोगों के लिए। इसके बाद आप देखेंगे डी है, ये हमारा, ये भी कोप है। इसके बाद आप देखेंगे एक कोप है और दो कैबिन है। कोच में पूरे 8 कैबिन है और 8 में 4 कैबिन जिसमें 4-4 सीट है और 4 कोप जिसमें 2-2 सीट है और सेम प्राइस है। एक तकिया दे गए, एक कम्बल दे गए और 2 चादर दे गए। इधर भी एक कम्बल, 2 चादर, एक तकिया और एक मोबाइल दे गए। नहीं, मोबाइल मेरा है भाई। कोरोना वायरस जब आया था तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी, चादर, तकिए, ब्लैंकेट, और अब फिर से रिस्टार्ट कर दी गई हैं सारी चीज़ें देना। और ट्रेन हमारी डिपार्चर हो गई है। ट्रेन में सुबह सुबह का नाश्ता, कॉफ़ी, बिस्किट, चिप्स, मैगी, फेस वॉश, पॉपकॉर्न सब है। ये सब अपना है यार, इन लोगों ने कुछ नहीं दिया अभी तक मुझे। जैसे बोला वैसे ऑर्डर लेने आ गया, अभी लंच का ऑर्डर लेने आए हैं ये लोग। थाली थाली कॉम्बो थाली, देखते क्या होगा इनके लंच में। दोपहर के बज गए 12:30 और हमने लंच ऑर्डर किया था, जो कि लंच आ गया 150 रुपये पर थाली है। और थाली में क्या क्या है दिखाता हूँ। हैं 2 थाली, खोलो, एक खोलते हैं। आलू की सब्जी है, आलू का भरता है और ये मटर पनीर है और इधर है चपाती। तो ये पूरी थाली है 150 की, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा। और इस कूप में हमको ये एक मेज भी मिली है, जो कि ये मेज फोल्डेबल है, सीट के अंदर थी, अभी मैंने देखा तो इसको बाहर निकाला, आराम से इस पर रख के लंच कर सकते हैं। बहुत बेकार है, टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं खाया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप कूप कैसे बुक कर सकते हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप फर्स्ट क्लास एसी, किसी भी ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी टिकट बुक करते हो ना, ऑनलाइन अगर आप खुद कर रहे हो तो कैबिन का ऑप्शन आएगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप पैसेंजर का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे, उसके बाद जब आप सिलेक्शन करेंगे तो वहाँ पर कैबिन आएगा और कूप लिखकर आएगा, उसके बाद अपर या लोअर। अगर आप कपल हैं, दो लोग हैं, तो ज़्यादा चांस है आपको कूप मिलने का। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो सीट है ना, कूप कंफर्म नहीं होगा, आपका फर्स्ट क्लास में टिकट बुक हो जाएगा लेकिन सीट नंबर आपको शो नहीं करेगा। कंफर्म ज़रूर शो करेगा लेकिन आपको सीट नंबर कंफर्म नहीं दिखेगा, बिकॉज क्योंकि आपने कूप के लिए रिक्वेस्ट डाली है। जब आप, जिस दिन आपका ट्रेन चलेगा उससे 2-3 घंटे पहले जब चार्टेड पूरा बन जाता है, लिस्ट तैयार होती है, तब आपको मैसेज के थ्रू बताया जाता है कि आपका कूप बुक हुआ या नहीं। कूप अगर आपका कंफर्म हो गया तो मैसेज में आ जाएगा, अगर कूप बुक नहीं हुआ तो कैबिन में सीट नंबर है तो सीट नंबर बन के आएगा, नहीं तो कैबिन ABCDF ऐसा बन के आएगा। और अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, ऑटोमेटिक छोड़ दिया, तो वो आपका कैबिन ही बुक होगा, कूप बुक नहीं होगा। और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो भी आपका कूप बुक नहीं होगा। ऑफलाइन का क्या प्रोसेस है, आपको उनको बोलना पड़ेगा और अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म में आपको कूप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ज़्यादा चांस होते हैं अगर आप दो लोग हो या कपल हो तो ज़्यादा चांस होते हैं कूप आपको मिल जाए, अगर आप सिंगल हो तो थोड़े कम चांस होते हैं, और अगर 3-4 लोग हो तो भी कम चांस होते हैं, तो फिर आपको कैबिन ही मिलेगा। तो इस तरह से आप बुक कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मेरा क्या एक्सपीरियंस होता है भाई, 24 घंटे का रास्ता मुंबई टू दिल्ली।